हर हर महादेव। है या नहीं है? है ओके। हर हर महादेव। नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, गुड़ी पड़वा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग आज गए, मैंने कहा आज नवीन हमारा वर्ष शुरू हो रहा है, संवत्सर शुरू हो रहा है 2078। तो गणपति बप्पा को प्रणाम करके आते हैं, सैल्यूट मार के आते हैं ताकि सब ठीक रहे। अनफॉर्चुनेटली मेरा ही भाग्य नहीं था अच्छा, दुर्भाग्य। वहाँ गए तो सब बंद था, पुलिस वालों ने बोला आप बाहर से ही प्रणाम कीजिए, सब बंद है, मॉनिटर लगा हुआ है, इसी में बप्पा के दर्शन करो। तो पंडित जी अंदर मंत्रोच्चार वगैरह कर रहे थे, हमने बाहर मॉनिटर से दर्शन किया, फिर शिखर के दर्शन किए और ध्वज के दर्शन किए। उसके बाद महालक्ष्मी गए, महालक्ष्मी गए तो वहाँ पे भी द्वार जो हैं बंद थे, तो सीढ़ियों के नीचे से ही एक बाबा हमें मिल गए। अच्छा, बड़ी अच्छी बात हो गई। मैंने जिनके साथ पोस्ट किया है वो पिक्चर पोस्ट की है, एक बहुत अच्छे टैक्सी ड्राइवर, उनका टैक्सी है, और वो मुझे वहाँ गणपति क्या सिद्धि विनायक पे ही मिल गए। बोले कि हर हर महादेव माता जी, आप तो शिवानी दुर्गा जी हैं। तो मैं बोला हर हर महादेव, तो बोले कि आप मंदिर तो बंद है। मैंने कहा कोई बात नहीं। खैर, फिर वो टैक्सी क्योंकि खड़ी हुई थी तो वहाँ से पापा को प्रणाम करके हम उन्हीं के साथ जो है महालक्ष्मी के लिए निकल लिए। तो मैं और लवी दोनों हैं साथ, दोनों थे साथ में। तो रास्ते में उनसे बड़ी बातें हुई, बड़ी रोचक बातें हुई, देशभक्ति के ऊपर, राष्ट्रभक्ति कूट कूट के भरी है उनके अंदर। तो बड़ा आनंद हुआ एक ऐसे व्यक्ति से मिलके, कि ये रेयर होता है कि आप ऐसे किसी व्यक्ति से मिलो जो देशभक्ति की बात इतनी ओपनली और धड़ल्ले से करें। तो बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलके, मुझे उनका नाम बिल्कुल नहीं पता। फिर उन्होंने यति नरसिंहानंद सरस्वती जी का भी नाम लिया। उन्होंने बोला कि ये हमारा दुर्भाग्य है कि साधु समाज से कोई खड़ा क्यों नहीं हुआ। सोचिए कि ये बात जो है, एक पढ़ा लिखा, और वो पढ़े लिखे लिटरेट टैक्सी ड्राइवर हैं, ठीक है, पढ़े लिखे एकदम पढ़े लिखे व्यक्ति, हर व्यक्ति उस बात को समझ रहा है। ये जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो भी ये बात अच्छे से समझ रहा है कि साधु समाज से साधु के लिए ही कोई खड़ा नहीं हो रहा, कोई भी बयान अब तक जारी क्यों नहीं किया गया। दुर्भाग्य है देश का ऐसे साधु अगर हैं। अभी सुबह किसी ने मुझे लिखा था कि आप अखाड़ों की बदनामी ना करें, आप अखाड़ों के लिए ऐसे ना लिखें। अरे तो भैया, मेरे को क्या आवश्यकता है लिखने की, मैं तो अखाड़ों के बारे में कुछ भी नहीं लिखना चाहती। पर अखाड़ों का जो कर्तव्य है करना चाहिए था। यहाँ तो बड़े लोग लेक्चर आ जाते हैं, शिवानी दुर्गा को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, पाखंडी हैं। तो भैया एक काम करो, पहले तो तुम जाके अखाड़ों में ये बात करो, ठीक है, वहाँ पे जाके बात करो। जो साधु के साथ साधु खड़ा ना हो, जो हिंदू के साथ हिंदू खड़ा ना हो, तो पाखंडी है, नकली है फिर वो। एक आम साधारण व्यक्ति, क्योंकि मैं तो अभी इतना ज़्यादा बाहर निकलती नहीं हूँ क्योंकि कोरोना बहुत है यहाँ पे, उनको ये बात पता है, वो ये बात बोल रहे हैं, लेकिन हमारे साधु समाज के लोग सोए हुए हैं। और ये दूसरों को जगाने की बात करते हैं, और ये हिंदुत्व जगाने की बात करते हैं जो स्वयं सो रहे हैं। ना इनमें राष्ट्र की भावना है और ना ही इनके अंदर धर्म की भावना है। इनके अंदर किसकी भावना है? सरकार से मिलने वाले नीले पीले हरे गुलाबी नोटों की। मैं ही नहीं बोल रही हूं, ये पूरा भारत बोल रहा है साधु समाज को, तो शर्म आनी चाहिए कि साधु समाज से
एक साधु एक सन्यासी को जो आनंद अखाड़े से ही हैं और मेरे गुरु भाई हैं, एक ही गुरु से हमारी सन्यास दीक्षा है, उनके लिए इतनी बड़ी बात कोई बोल गया विधर्मी, उनके पोस्टर्स जलाए जा रहे हैं, उनके फोटोज के ऊपर जूते मारे जा रहे हैं, शर्म नहीं आती अखाड़ा अध्यक्ष जी? क्या आत्मा सो चुकी है? आत्मा मतलब शरीर का तिलांजलि तो दिया ही था, आत्मा कभी दे चुके हैं आप? साधु समाज से किसी को कोई व्यक्ति बोल जाए और साधु खड़ा ना हो तो आपके नागा किस काम के? और आपकी अध्यक्षता किस काम की? कौन सी अध्यक्षता करते हैं आप? खाली महामंडलेश्वर बनाते हैं? पैसा उगाही के लिए? सब पैसे की माया है तो अपना नहीं पराया है। सोचा करती थी बचपन में साधु कितने पावन हैं, आज भ्रम ये टूटा है आधे से ज्यादा रावण है, इसीलिए आज धरा मेरी कूट कूट कर रोती है, फूट फूट कर रोती है, मतलब कोरोना से रोती है। एक आरती की थाली की लाखों में बिक्री होती है, क्या यही है गाथा साधु की जो वेदों में लिखी गई? बेच धर्म और बैठ सिंहासन, नया धर्म नई रीत चली, जो धर्म बचाएंगे ना हक ही मारे जाएंगे। जैसे हमारे माननीय सबसे प्रिय योद्धा यति नरसिंहानंद जी, जो धर्म बचाएंगे ना हक ही मारे जाएंगे, और जो नहीं बचाएंगे, ये साधु समाज जो नेपाल घर के लिए खड़ा हुआ और ना ही यति नरसिंहानंद जी के लिए, ये रौरव में जल जाएंगे। काहे के साधु? भगवा पहन लेने से कोई साधु नहीं हो जाता, तिलक लगाने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता। त्याग दीजिए पदवी, अगर साधु जो सन्यासी हिंदुत्व के लिए लड़ रहा है, शेर है, सम्मान है उनके लिए, आपके लिए कोई सम्मान नहीं है। सम्मान उसे कहा जाता है जो पीठ पीछे किया जाए। अपनी पीठ पीछे देख लीजिएगा, सामने तो बहुत है ना आपके, जरा पीठ पीछे भी झांक लीजिएगा अध्यक्ष महोदय, क्या आपके पीठ पीछे क्या बात की जाती है? जो पीठ पीछे की जाती है वही आपके लिए मान्य है। तारीफ पीठ पीछे होनी चाहिए जो नहीं होती है। बहुत से लोगों से मिलना हुआ है मेरा, सभी जो है आपसे नाराज हैं, आपकी अध्यक्षता में कुछ कोई खास विषय कुछ ये हुआ नहीं। जहां साधु के साथ इतना बड़ा अनाचार हुआ, अत्याचार हुआ, दो साधु हमारे पिछला 16 तारीख को, 16 अप्रैल थी वो तारीख, 16 अप्रैल 2020 जब पाल घर की दुर्भिक्ष घटना हुई थी, और आज तक कोई न्याय नहीं हुआ। और अब यति नरसिंहानंद सरस्वती जी के लिए कहा गया कि उनका गला काट देंगे, जबान काट देंगे, इतना हलवा है। कमलेश तिवारी जी के साथ हो गया, क्या किया साधु समाज ने मुझे बताओ ना, बताओ ना मुझे। सरकार से पैसा नहीं मिलता, कुंभ नहीं होता, तब बड़े तिल मिलाते हैं ये लोग। सरकार को पैसा देना बंद कर देना चाहिए। जब इनको सरकार से पैसा नहीं मिलता तब बड़ा तकलीफ होती है, तब निकल के बाहर आ जाते हैं ये लोग, लेकिन जब इन्हें खड़े होना है, युद्ध करना है, तब ये मौन धारण कर लेते हैं। कोई बात नहीं, समय आ रहा है, नवरात्रि का आज पहला दिन है, भगवती जागृत है, उनका जब मौन जब बोलेगा, अच्छा अच्छा मुंह खोलेगा,
मुझे बड़ा अच्छा लगा एक एक ऐसे टैक्सी ड्राइवर से मिलके, सैल्यूट है उसको, जितनी देर मेरी बात हुई, जितना देर हमें सिद्धिविनायक से और महालक्ष्मी मंदिर तक पहुंचने के लिए लगा, तो हमने देशभक्ति राष्ट्रभक्ति कूट कूट के भरी है उनके अंदर। उनसे नर्सिंग का, मेरे से बैठते ही सबसे पहला प्रश्न उन्होंने एक ही किया कि आप बुरा तो नहीं मानेंगे आपसे एक बात पूछूं। मैंने कहा पूछिए। बोले साधु समाज यति नरसिंहानंद जी के साथ खड़ा क्यों नहीं हुआ, ये पहला प्रश्न उन्होंने मुझे बैठते ही अंदर पूछा। तो मतलब ये केवल एक प्रश्न नहीं है अखाड़ा अध्यक्ष जी, ये आपके अब कार्य की क्रिया जो आप करते हैं, जिसका इतना बड़ा गुणगान होता है, ये अब उस पे प्रश्न चिन्ह है। और एक ने नहीं, एक ने तो एक से, क्योंकि मैं मिली हूं तो उन्होंने दाग दिया ये प्रश्न। तो सोचिए ये पूरे भारत हर सनातनी के मन में ये प्रश्न चल रहा है, और क्वेश्चन मार्क शिवानी दुर्गा पे नहीं है, क्वेश्चन मार्क अखाड़ा अध्यक्ष पे है, 13 पारंपरिक अखाड़ों पर है। और क्यों ना हो, क्यों ना हो, आप लोग भगवान बने फिरते हैं, किसी की भी धज्जियां उड़वा देते हैं कुंभ के अंदर, उसके सम्मान से खेल जाते हैं। आपके बहुत से साधुओं ने शिवानी दुर्गा के लिए अपशब्द, ऐसे अपशब्द, उनमें से कंप्यूटर बाबा भी थे, अपनी गद्दी से बैठ करके ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो एक मुझे बोलते हैं वो एक साधु जिस व्यास गद्दी पे बैठ के उन्होंने मेरे लिए कहा, जो उनको शोभा नहीं देता। तो ये सब आप करवा लेते हैं, लेकिन आज जब आवश्यकता है यति नरसिंहानंद सरस्वती जी जैसे लोगों को, सन्यासियों को, कि आप लोग उनके साथ खड़े हों, अरे आप लोग खड़े हो जाएं तो मजा ले किसी की, कोई बोल जाए। ये आप लोगों की कमजोरी है जो पता नहीं कितने साधुओं की जाने चली गई। छोड़िए गद्दी, आप लायक नहीं है उसके। भगवा पहन लेने से भक्त नहीं हो जाते आप। विचित्र है, विचित्र चरित्र है। तो सैल्यूट है ऐसे टैक्सी ड्राइवर को जो देशभक्ति जिनके अंदर जागती है, और ये ग्राउंड लेवल पर ये लोग काम करते रहते हैं। उसके बाद जब वहां पे मैंने नीचे ही प्रणाम किया, महालक्ष्मी मंदिर के बाहर नीचे ही प्रणाम किया, वहां थोड़ा सा आगे आए तो एक जगह पे हम लोग को माला वाला खरीदनी थी, बड़ी अच्छी मालाएं मिल रही थी वैसे तो मुझे वो खरीदना था, ये सब खरीदना था। तो हम लोग वहां पे जब बात वहां पर गए तो एक साथ में पान वाले भैया की दुकान थी, वहां पर भी बड़ी चर्चा चल रही थी, अरे मंदिर में हमको जाने नहीं देते हैं और हम पे पुलिस वाले लठ बरसाते हैं, लेकिन अगर उधर किसी विधर्मी के यहाँ पे जाएंगे तो वहां पर लल्लो चप्पो करके और राम राम करके निकल जाते हैं वहां से, क्योंकि नहीं तो उनको ही पुलिस वालों के पीछे पड़ जाते हैं वो विधर्मी लोग। तो ये सब चर्चाएं हर जगह हो रही हैं, हर नुक्कड़ पर हो रही है। देश हिंदू राष्ट्र कब बनेगा, हिंदू राष्ट्र में हिंदू को तकलीफ क्यों है, हिंदू राष्ट्र में विधर्मियों से हमें खतरा क्यों है, हम डर के क्यों रहें, हिंदू राष्ट्र में हिंदू अपनी बात क्यों नहीं रख सकता, ये सब प्रश्न हर कोने नुक्कड़ पर चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आंधी आई नहीं, तूफान आया नहीं, सनातन की आंधी आ चुकी है। और भैया आप सनातनी को किसी को गाली देने से पहले और धमकी देने से पहले 100 बार सोचिएगा, कितनी बार, 100 बार, क्योंकि हर सनातनी ने अपने पास अपना हथियार रख रखा है, शस्त्र शास्त्र दोनों, हर सनातनी ने
सच्चे सनातनी में, बाकी दोगले भी हैं कुछ इसमें, दलाल टाइप भी हैं, जो इधर भी खाते हैं उधर भी खाते हैं, जो इधर भी बन जाते हैं उधर भी बन जाते हैं, उनमें से वो हैं जो कन्वर्टेड हैं, उन्हें मैं दलाल कहती हूँ। बने रहना है हिंदू, लेकिन कार्ड वो दोनों खेलते हैं। जानती हूँ कुछ ऐसे लोगों को मैं, आईडी इनकी बनी हुई होती है हिंदू नाम से, लेकिन ये कन्वर्ट हो चुके होते हैं, तो ये उधर से भी ले रहे होते हैं इधर से भी। वाह वाह वाह, ये थाली का बैंगन। तो वो दलाल टाइप के लोग यहां आएंगे भां 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 करने के लिए, तो करते रहो सनातनी ना। इस समय तुमको समझ नहीं आ रहा, लेकिन सनातनी इस समय बहुत एकजुट है। आज बड़ा आनंद आया, एक लंबी राइड पे जाके आए, बड़ा आनंद हुआ, समझ में आया। यदि एक बोल रहा है तो मतलब 100 भी बोल रहे हैं, और मतलब 1000 और लाख और करोड़ भी बोल रहे हैं इस बारे में, साधु समाज और अखाड़ा अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, ध्यान दीजिएगा जरा। गद्दियां तो अच्छे अच्छों की रही नहीं रही, मनुष्य भी रहे नहीं रहे, कर्मों से पहचाने गए। पैसा कितना भी जमा कर लो, जाएंगे 6 फुट में ही सब, ज्यादा से ज्यादा। जफर ने एक, मोहम्मद शाह जफर ने एक, सॉरी बहादुर शाह जफर ने एक लास्ट में अपनी उनकी नज्म थी, उसमें था, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी ना मिली कुए यार में। मतलब कितना भी कर लीजिए, अंत समय में कछु ना ही मिलेगा, मट्टी ही मिलेगी, मट्टी, मट्टी ही जगह देगी, मट्टी ही बचाएगी, और मट्टी में ही मिल जाएंगे। हर हर महादेव, जय भवानी, जय भारत।